सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लखनऊ में सीजनल अमीनों व अनुदेशकों ने राजस्व परिषद विभाग का घेराव कर किया प्रदर्शन। प्रदेश भर से आए अनुदेशकों ने राजस्व विभाग में संपूर्ण समायोजन की मांग पर प्रदर्शन किया। सीजनल अमीनों व अनुदेशक कर्मी राजस्व विभाग में वसूली का काम करते हैं। प्रदर्शन में शामिल अनुदेशकों की मांग है, राजस्व विभाग में अनुदेशकों को 3,369 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है, मांगे पूरी ना होने पर 5 अगस्त को विधान भवन का घेराव किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर मांग ना पूरी हुई तो 16 अगस्त को गोमती नदी में सामूहिक जल समाधि लेने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। क्या नाम है आपका? दीपक भारद्वाज। आप सभी राजस्व परिषद के अंदर घेराव के लिए बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे क्या हो गई? हमारी एक ही मांगे हैं, प्रदेश में सामूहिक संग्रह अमीन एवं अनुसेवकों का एक साथ संपूर्ण समायोजन, सभी को नियमित पदों पर समायोजित कर दिया जाए, एकमात्र मांग ये है हमारी। मांग के साथ साथ क्या है आप लोगों की मांगे पूरी नहीं करती राजस्व विभाग? हमारे आगामी कार्यक्रम है, 5 अगस्त को हम विधानसभा का घेराव करेंगे, उसके बावजूद भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 15 अगस्त को हम इको गार्डन में एकत्रित होकर के अंगदान देहदान अपने उसका वचन देंगे, और उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो 16 अगस्त को हम सभी सामूहिक गोमती नदी में जल समाधि लेंगे। ये मत दीपक भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री सामूहिक संग्रह अमीन संघ।